ये राजकोट है सर, ये कौन सा है प्लेस? अभी मैं खड़ा था, मैं थोड़ा सा ये बना लेता वीडियो, मैं नहीं तो चला सकता था, लेकिन आती ही नहीं तो क्या चला है सर, रिस्क ले लेना है ना कभी भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और सब लोगों को स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह की 8 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट करके उठा, और भाई कोई भी भक्त नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चामुंडा देवी की दर्शन के लिए आते हैं ना, सुबह 5 बजे ही निकल जाते हैं। और अभी शायद मुझे गर्म पानी मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन भाई प्लीज़, आप सब लोग अगर आप लोग गुरुद्वारों में ऐसा रह रहे हो तो प्लीज़ यार साफ़ सुथरा रखे टॉयलेट वगैरह, क्योंकि यार ऐसे ही टॉयलेट यूज वगैरह करते हैं, ना पानी डालते हैं ना ठीक से करते हैं यार। प्लीज़ यार प्लीज़ साफ़ सुथरा रख के कचरा वगैरह ना फैलाए, क्योंकि ये जो गुरुद्वारे रहते हैं ना, आप लोगों को उनको पैसे इतनी कम प्राइस में देते हैं, 100 रुपये 50 रुपये एक एक गुरुद्वारे में, तो पैसे ही नहीं लगता है, खाना वगैरह देते हैं, सब कुछ फ्री में रहता है। तो थोड़ा सा क्लीनेस आपकी तरफ से भी दे दीजिएगा, ठीक है? तो अब हम नहा लेंगे, पहले जल्दी से नहाने का देखूँगा मैं, फटाक से नहा के। अब मुझे दिक्कत है कि अभी ये पूरा सामान कहाँ पर रखूँ। अगर हम लोग चामुंडा देवी के पास हिल्स में ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे तो तकरीबन ऑनलाइन में दिखा रहे 620 सीढ़ियाँ है, और यहाँ के लोग बता रहे कि 800 से ज़्यादा सीढ़ियाँ है। भाई बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा ये सारा सामान लेके चढ़ना, ऊपर उतरना, सब कुछ बहुत हेवी हो जाएगा ना। तो सोच रहा हूँ यहीं पर कहीं किसी से रिक्वेस्ट करके सामान रख दूँ, देखेंगे क्या होता है। लेकिन पहले हम लोग फटाक से नहा लेते हैं, फ्रेश होते हैं और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो चलिए, फ्रेश हो चुके हैं और अभी टेंट निकालते हैं हम, और भैया को मैंने बता दिया है ताकि मेरा लगेज वगैरह यहीं पर रख ले भैया, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो उनको रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने मान रहे हैं। तो पहले हम इन सबको समेट लेते हैं। तो चलिए पहले लगेज रखते हैं और निकलते हैं मां चामुंडा की तरफ। हाँ जी, सुन क्यों नौकरी नाम नाम रखते हैं, नाम नहीं को तुम्हारे एक मतलब आज से रख दो यार। चामुंडा देवी का जो मंदिर है उसकी चढ़ाव के लिए हम जा रहे हैं, और सामने ही पहाड़ बहुत बड़ा है यार, पता नहीं चढ़ पाएंगे यार, अब तो चढ़ जाएंगे मुझे पता है। और भाई सुबह से ना इतनी ठंडी हवा इतनी जोर से चल रही है यहाँ पे, ठंड से कांप रहा हूँ मैं तो, लेकिन फिर भी बॉडी हीट हो जाएगी अभी, चलते चलते। फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं भाई, और मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए। दुर्गा माता का मंदिर आता है चोटिला में, तो इस मंदिर को इस माँ के दर्शन के लिए लोग बहुत बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आते हैं और इस माता का दर्शन लेते हैं। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर माता जी का प्रसाद खा रहा हूँ, ताकि थोड़ा भूख भी लगी है, प्रसाद के वजह से थोड़ा एनर्जी भी मिलेगी, नारियल खाएंगे और नीचे थोड़ा प्रसाद भी मिलेगा। 11 बजे से शाम 5 बजे तक नीचे उतरने के बाद पता चलेगा।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे मैं जिस किसी से भी पूछ रहा हूँ यहाँ का हिस्ट्री बता ही नहीं पा रहा है मुझे, कोई बता ठीक से बता नहीं रहा कि ये मंदिर स्थापना किस तरीके से। मंदिर तो पहले ज़माने में ऐसे थे, शायद छोटी रही होंगी, बाद में जैसे जैसे दिन बदलते गए, जैसे दिन चलते गए वैसे ये मंदिर भी डेवलप होता है। मुझे जितना समझ आ रहा है, गूगल में भी नहीं मिल रहा कि वो फेमस है करके। लेकिन एक बात तो सही है, ये जो चढ़ते पहाड़ चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ना हालत ख़राब हो जाती है। मुझे 720 में यार बहुत ज़्यादा ही सीढ़ियाँ हैं, मुझे लगता है 1250 फीट कम है क्या। चलिए कुछ प्रसाद खाते हैं, आप लोगों को दिखाइए और मिलते हैं प्रसाद खाते आप लोगों से। तो नीचे आ गया हूँ मैं और देखिए यहाँ पर भाई अगरबत्ती नारियल किस तरीके से जल रही है इसके अंदर, पूरे के पूरे यही जल रहा हूँ भाई, इतना सारे अगरबत्ती। और यहाँ पर इतनी सारी छोटी छोटी मंदिर है ना नीचे, ये देख सकते हो बहुत सारी। और ये भी चामुंडा माता का ही मंदिर है नीचे वाला। आपके पास राजस्थान में तांडे भी होते होंगे ना, तांडा करके ऐसा बंजारा है, बहुत है नायक नायक तांडा। अच्छा आपको भाषा से समझ आया मुझे, कोई भी आ रहा हूँ राजस्थान अभी, हाँ यहाँ पर होने के बाद राजस्थान ही घूमने आ रहा हूँ। महाकाल के आया जाए तो यहाँ पर हमें स्पेशल राजस्थानी डांस नृत्य देखने के लिए मिला चाची जी से, तो उनको भी वीडियो सेंड करना है मुझे आगे। अब क्या गांव जा रहे हो चाची अभी? अच्छा द्वारका हम भी जा रहे हैं। अच्छा आज द्वारका पहुँच जाएंगे, आ जाओ मैं भी देखूंगा कब तक पहुँचूँ। शुक्रिया, मिलेंगे वहाँ पर द्वारका में, भगवान जी को चाहते हो जी। राजस्थानी चाची माँ जी मुझे मिले थे तो वो भी द्वारका ही जा रहे हैं, पता नहीं द्वारका में कब मिला होता है। तो चलिए यहाँ पर 11 बजे शाम 5 बजे तक भोजन रहता है, माता जी का प्रसाद खाते हैं। तो चलिए कुछ प्रसाद वगैरह ले लिया और कुछ यहाँ पर चामुंडा माता के बारे में मुझे कुछ पता चला है तो उसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे। मंदिर से सीधे हम आ चुके हैं यहाँ पर आश्रम के अंदर। अगर आप लोग चामुंडा माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हो चोटीला, यहाँ पर भाई यहाँ पर बहुत बहुत दूर राज्यों से, बहुत बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग पैदल चल कर यहाँ पर आते रहते हैं, जो द्वारका जाते यहाँ इस देवी का चामुंडा देवी का आशीर्वाद दर्शन पा कर ही जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया और कुछ माताएं मिली थी मुझे राजस्थान के, उनके साथ बात भी की, वो कुछ वीडियो वगैरह चाहते थे, उनको वीडियो भी सेंड करना भी है मुझे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो चोटीला में, अगर आप लोगों को जहाँ पर लोकल को भी पूछोगे ना तो आप लोगों को रूम अवेलेबल है करके बाहर के रूम ले जाएंगे और ज़्यादा प्राइस मिलेंगे, 10,000 5,000 ऐसे बहुत महंगे यहाँ पर रूम भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो भाई पूरा का पूरा ये इतना बड़ा आश्रम सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए बनाया गया है, जो यहाँ पर भक्त आकर यहाँ पर इसके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल आ रहे हो यहाँ पर आप लोगों को रूम नहीं मिलेगा, यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ पर आप एक बिस्तर वगैरह सब कुछ दिया जाता है, सो रहेंगे और बाद में आप लोग सुबह जाते से ठीक से फोल्ड वगैरह करके उनको देना है सिर्फ। और यहाँ पर जो रूम है, अगर आप एक से ज़्यादा लोग आते हो, अगर बच्चों के साथ आते हो तो रूम नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा दो लोग तीन लोग दोस्त रहे या कुछ भी रहे अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को एक रूम दिया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में, मान सकते हो
ये पूरा का एक दिन रहने के लिए 50 रुपये में मिलता है ये पूरा आश्रम के एक रूम को। देख सकते हो कोई 5-स्टार होटल से कम नहीं ये पूरा आश्रम। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता था, मुझे यहाँ की मंदिर के बारे में थोड़ा सा पता चला है। जो चामुंडा माता के मंदिर में जो शिला स्वयंभू, उस एक ही शिले में दोनों देवियाँ दिखाई देती है। और यहाँ के पूर्वज एक या दो चोटियों के बारे में वर्णन करते हुए ऐसा कहते थे कि कैलाश पर्वत पर जो 12 वर्ष तपस करने पर जो फल मिलता था, इस चोटिला मंदिर के पास सिर्फ यहाँ पर 7 वर्ष तप करने से प्राप्त होता था। मुझे भी पता नहीं यहाँ के पूर्वज ऐसा कहते थे करके गूगल मैन साहब ने हमें सुनाया, मैंने आपको सुनाया। तो चलिए यहाँ के, अगर हम लोग यहाँ से अभी अपना सफ़र शुरुआत करेंगे ना द्वारका की तरफ, तकरीबन 12 बज चुके हैं यार। तो चलिए चामुंडा देवी के दर्शन पाने के बाद आज का हमारा सफ़र शुरुआत करते हैं चोटिला से। आज शायद मैं कोशिश करूँगा कि राजकोट पहुँच पाऊँ, क्योंकि वहाँ यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है राजकोट। तो अगर राजकोट पहुँच पाऊँगा तो आगे का सफ़र मैं कल शायद शुरू कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 271 किलोमीटर यानी कि 270 है, मैं एग्जिम समझ लूँ। यहाँ से पूरे द्वारका 270 किलोमीटर है और राजकोट 70 किलोमीटर है, तो वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर और बच जाएगा हमें कल के लिए। और आज का जो स्टे है शायद राजकोट में कहीं पे देखेंगे, वहाँ पर पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आज की हिचाइकिंग शुरू करते हैं। और एक बात, मैं झरिया महादेव टेम्पल जा रहा था ना भाई, क्या हुआ कि यहाँ लोकेशन में गूगल में रॉन्ग आ रहा है। अगर लोकेशन डालोगे तो यहीं की सिटी में ही बता रहा है झरिया महादेव टेम्पल, लेकिन अगर आप जाओगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ से चोटिला से तकरीबन 20-15 किलोमीटर दूर है वो झरिया महादेव टेम्पल। तो मैंने सोचा कि चलिए अगली बार देखेंगे, आज द्वारका का सफ़र शुरू कर देते, तो इसलिए मैंने वापस गया आश्रम और वहाँ से बैग वगैरह लेके शुरू कर दी। चुका आगे तक जाऊँगा चल के, वहाँ से बोर्ड वगैरह निकाल के अपना चेकिंग शुरू करते हैं। तुमको माफ़ कर रहा, यहाँ से राजकोट 48 है और द्वारका 271। तो मैं पहुँच चुका हूँ राजकोट के आगे, और कैमरा में चार्जिंग भी नहीं था ना, तो गाड़ी में थोड़ा सा चार्जिंग डाल लिया मैंने। अब सीधे द्वारका की तरफ रवाना हो सकते हैं हम, और समय हुआ है 3:11 हुआ है, और जितना हो सकता है 5 बजे तक, उतना और 2 घंटा टाइम है अपने पास, 5 बजे तक मैं ट्रैवलिंग करूँगा। जितना हो सकता है उतना डिस्टेंस द्वारका का कम करूँगा और जल्दी से पहुँच भी जाएंगे हम द्वारका, है ना। आपको पूरे गुजरात में ना ये वाला रिक्शा बहुत देखने को लिए मिलेगा, पूरे गुजरात में कहीं पे भी जाओ। इसमें ना एक बाइक और पीछे कुछ टेलर की तरह असेंबल किया होता है। तो भैया जी यहाँ पर चाय पिला रहे थे, लेकिन मैंने ठंडा कहा क्योंकि चाय में तो पीता ही नहीं है। भैया और हम दोनों ले रहे बेटे भैया, यहाँ से और कितना दूर जाना पड़ेगा? 210 किलोमीटर है। हाँ, 210 है सीधे यहाँ जामनगर, जामनगर से द्वारका। इधर से पहले आएगा तड़कड़ी, बाद में आएगा पड़द्री, बाद में आएगा ध्रोल, बाद में आएगा जामनगर। जामनगर तड़द्री पड़द्री तड़कड़ी पड़द्री पड़द्री और ध्रोल ध्रोल, बाद में आएगा जामनगर। भाई ये ऑटो जो है ये बाइक में बाद में बनाते हैं, ऐसा बनावटी आता है ऐसा ही मिलता है यहाँ पर। मैंने सोचा कि पहले बाइक खरीदते होंगे बाद में मॉडिफिकेशन करता होगा, पूरा ऐसा ही आता है। देखने की मैं अलग ही है यार, इसको किक इससे चालू करता है, किक से कहाँ पे? अच्छा यूट्यूब पे निकालता हूँ। यहाँ से कुछ देर मुझे चलना पड़ेगा, यहाँ से त्रिपाड़ी त्रगाड़ी कुछ अलग अलग ही नाम आता है यार, ध्रोल अलग अलग, ये छोटे छोटे गांव हैं, पता नहीं मुझे कौन से गांव में स्टे मिलेगा। मैं कर्नाटक से हूँ सर। तो सर ने मुझे यहाँ से लिफ्ट मिली है राजकोट से सीधे पड़द्री तक। ये राजकोट है सर, ये कौन सा है प्लेस अभी मैं खड़ा था? राजकोट से सीधे पड़द्री मिला है सर जी ने दिया गया लिफ्ट। मैं जा रहा हूँ जामनगर। जी जी, मगर यहाँ 2 मिनट का काम है, पूरा करके सीधा जामनगर चले जाओ। अच्छा अच्छा, चला सकता था लेकिन आती ही नहीं, तो क्या चला है सर, रिस्क नहीं लेना है ना कभी भी। तो हम रुके हैं यहाँ पर त्रिगाड़ी कुछ नाम है गांव का वहाँ पर, और यहाँ पर मुझे लेना है वाटरमेलन, क्योंकि किस लिए ले रहा हूँ मैं आपको
जाते हुए बाद में बताऊंगा, पहले लेते हैं चाचा जी से। तो एक तरबूज मिला है चाचा जी के पास से। मैं इस व्लॉग को जल्दी क्यों एंड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज का एडवेंचर करने के लिए। इस तरीके से एडवेंचर ना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कही और आगे करूँगा या नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन आज जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक रिवर है और वहाँ पर मैं आज करूँगा नाइट कैंपिंग सोलो। उस व्लॉग को प्लीज़ देखना, पता नहीं मुझे भी पता नहीं इस जगह के बारे में क्या होगा क्या नहीं करके, लेकिन भाई जगह देखने में ख़तरनाक है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा और मुझे दूर चल के जाना है। हाँ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ख़तरा तो है, बताया मुझे कुछ लोगों ने यहाँ पर, नहीं हमारे जो पीछे दिख रहे हैं ना उस शॉप के पास डाल लेना टेंट वगैरह जो भी डालना है, तो मैं ऐसा बता रहे थे। लेकिन भाई मुझे सोलो कैंपिंग करने में बहुत दिन से यही रहा देख रहा था, जब से ट्रैकिंग शुरुआत की है ना तब से मैं यही सोचता था कि मैं ट्रैकिंग में सोलो कैंपिंग कब करूँगा, जगह कब मिलेंगी। और आप लोगों को, बहुत लोगों को भी जानना भी है कि टेंट किस तरीके से लगाते हैं, मैंने बताया भी नहीं किसी को भी, क्योंकि जब भी मैं टेंट लगाता हूँ ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं सिर्फ टाइम लेफ्ट बना लेता हूँ वीडियो की। साफ है क्या, पता नहीं क्या है साउंड आ रहा है। सिर्फ वीडियो का टाइम लेफ्ट बना लेता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन आज आप लोगों को जो अगला व्लॉग मिलेगा उसमें मैं आप लोगों को टेंट किस तरीके से लगाते हैं और हमारा रात कैसी रहती है उसके बारे में एडवेंचर होगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखना। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो यार प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर देना यार, अब तक यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो दिला दो। सिर्फ उनके लिए कितना 150 सब्सक्राइबर चाहिए भाई मुझे, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन भाई प्लीज़ करवा दो। और वॉच टाइम थोड़ा सा जल्दी करा दो, वॉच टाइम बहुत कम है अपना और बहुत सारे लोग वीडियो देख के बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ऐसे ही जाते, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जाते थे। प्लीज़ कर देना यार, थैंक यू सो मच वॉचिंग। देख लेना वाटरमेलन इसीलिए लिया है खाने के लिए, कुछ वगैरह मैगी वगैरह भी करके खाएंगे नेट कैंपिंग में। देख लेना व्लॉग में, बाय बाय।